बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जुबैर। न्यू वीडियो में आप सबका खुश आमदीद है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं हैदराबाद से बल्ला गुड़ा गौस नगर के पास से, आज की वीडियो रहेगी जुबैर गोट फार्म के ऊपर। तो यहां पर आप लोगों को मैं फिर से आज गोट्स पायलट्स की वीडियो बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे 30 4x4 के 40 हमारे पास ना पायलट्स रेडी है और 3x3 के 30 पायलट्स रेडी है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड रहेंगे ना, आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरी गैरी की लकड़ी रहती है, दूधिया और बबूल में नहीं रहता है। दूधिया और बबूल थोड़े दिन ही ज़्यादा उसका लाइफ नहीं रहती है और ये गैरी की लकड़ी रहती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, नीचे इसके 6 बेंडा रहते हैं जैसा आप लोग देख रहे हैं और 9 पैरा रहते हैं और 1-1 इंच के यहाँ पर नीचे बेंड देख रहे हैं आप। और माशाल्लाह ये जो पैलेट्स के ऊपर का जो चकला देख रहे हैं आप, ऊपर का जो पैलेट्स है, फ्रेम है, ये मेरी उंगली है, आप लोग देख सकते हैं 1 इंच के करीब का पूरा इसका मध्यम रहता है पूरा। ये वुड के अंदर रहता है जैसा आप अभी देख रहे हैं, नीचे पूरी 1 इंच का है ये, आप देखिए ये पूरा 1 इंच का नीचे का रहता है। बहुत हेवी है, 35 से 40 किलो के करीब की अंदर की है। एक पैलेट आता है ये 4x4 की है और 3x3 की इसे छोटी रहती है। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड रहेंगे आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए हैदराबाद गोट चैनल के ऊपर। जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अदेबन आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो के नीचे आपको एक लाइक का एक बटन दिखेगा, एक हमारे को लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो के नीचे। जब भी आप हमारी वीडियो देखेंगे नीचे एक लाइक ज़रूर दीजिए और अच्छे से अच्छे कमेंट्स करते रहिए। इंशाल्लाह ताला और भी ऐसी इस गोट रिलेटेड के बारे में आप लोगों को बताते रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकअल्लाह खैर, खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।